मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो तुम्हें? तो अब बच चुके हैं सुबह के 8 और रितिक चला गया है स्कूल और हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। था महीने का सामान लाने, ग्रोसरी लाने, सामान सॉपरे सब है। तो आज हम जा रहे हैं और सामान लाने, मतलब मंथली ग्रोसरी लेने के लिए। ओके ओके, तो अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मतलब आज कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ रितिक के लिए कुछ बनाया था। आज हम लोग बाहर चाय पियेंगे, ऑफर दिया है आज बाहर चाय पियेंगे घर। ओके, तो बाहर चाय पी के हम डायरेक्टली वहाँ जाएंगे सामान लाने। तो हम लोग ना मंथली जो ग्रोसरी है ना बागादर से लाते हैं, बागादर परवरीम से। ओके, तो वहाँ से हम लोग सामान लाते हैं। तो लिस्ट वगैरह सब कुछ बना के रख दिया है वहाँ पे, क्योंकि अक्सर ना वहाँ पे जाते ही ना सब कुछ भूल जाती हूँ मैं। तो सब कुछ लिस्ट अभी देख रहे थे पापा, लिस्ट खूब आते हैं। ओके, तो चाय पियेंगे और बाद में वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि बागेदार है ना 9 बजे ओपन होता है। अगर जल्दी जाएंगे ना तो भीड़ भी कम होती है, तो जल्दी हो जाएगा। ओके, तो जस्ट निकलते हैं। मम्मी ने पोए बैग पोए गेली, बैग घेऊन लागली चलाऊ। आणि तू किती लिस्ट पेदा पोयता की मायस की दहा किरे, सगळे सगळे सामान जायते ना जाय थोडा। देखिए सब कुछ, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने लिख के ले लिया है। तो ना अक्सर मैं भूल जाती हूँ, तो पहले आए मन सामान पहना का। हेलो, हाँ चल यारी चल। और बाहर ना डो पड़ला, डो। हाँ हाँ, ये देखिए बरिश्ता। सुबह ना हम लोग 6 बजे उठते हैं ना, तो पूरा ऐसे वाइट वाइट हुआ था, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अब तो फिलहाल थोड़ा कम हुआ है, ये देखिए वहाँ पे है। ओके, तो चलिए आज सुबह ऋतु का रो रो के बुरा हाल हो गया। बाप और बेटे झगड़ते रहते हैं सुबह। आज रड़त गया स्कूलान, मैं बीच में नहीं पढ़ती हूँ इन दोनों के बीच में। और वो ना मेरे साथ ना मतलब अच्छे से बिहेव करता है, ऋतु के पापा के साथ ना बहुत ही ये करता है, मतलब उसको मारता है पापा को। दवाएँ दगड़ी कि दे करा मटे तुम्हें दवा जाना, हाँ मधे पढ़ना। उसको मैंने बैग पैक किया, टिफिन दे दिया, मैं गई अंदर, गलो मैं रड़त गलो। ओके चल जा, भूख लगी है, चलो चाय पिया पहले। यहाँ पे देखिएगा बटरफ्लाई बैठा है, बरोबर फ्लैप है। बहुत गर्मी हो रही है, अक्टूबर महीना भी लग गया, बहुत ही गर्मी हो रही है। हाँ इस टाइम पाउस आने कहाँ की रही है। ऋतिक पापा ना अपना जो गाड़ी बाइक कार ना बहुत ही अच्छे से रखते हैं। तो ये जो बाइक है ना दिखाती हूँ, तो ये जो बाइक है ना कितने वर्ष हो चुके ना, 17 साल हो चुके हैं, फिर भी ये नया लग रहा है। मम्मी अभी बोल रही है बहुत ही नया लग रहा है, ये देखिए ये बहुत ही 17 साल हो चुका है, बहुत ही नया लग रहा है। मतलब वो ना बाइक अपनी चीज़ों को ना अच्छे से रखता है ऋतिक पापा। और यहाँ पे ये तो अभी नया लिया है, ये देखिए डियो। कौन दिव्या नहीं डियो हमें कौन दिव्या हमें, ये देखिए फर्स्ट वाइफ है इनकी, मका विकता खाई तो पोए। ये देखिए क्या बोल रहा है, गाड़ी विकना कर, तुका विकता खाई पोए विक मका। बहुत मेहनत से ना वो बाइक लिया है, सब पैसा इकट्ठा करके ना उसने वो बाइक लिया है। तो वो ना सब कुछ चीज़ें जो है ना अच्छे से रखता है, मतलब कोई बाइक दूसरा मेलटा खा, गाड़ी दूसरे मेलना खोए कोई। जो बाइक है ना डियो, वो किसी को भी नहीं देता है, हाथ लगाने को नहीं देता है, अच्छे से रखा है उसने 17 साल, एक क्रैच भी नहीं है बाइक पे। ओके, तो चलिए निकलते हैं। तो हम आए हैं पुंडलिक नगर। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट हम लोग आए थे, मैंने वीडियो निकाला था। ओके, तो यहाँ पे ना प्रॉन्स करी मिलता है पाव के साथ खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी है, मैं दिखाती हूँ। तो ALZ हम लोग यहाँ पे आए थे प्रॉन्स खाने सुंगटाचे, तो आज ना खे सुंगटाचे, आता खावपाचे टमाट टमाट भाजी खाऊया, येऊ ना खे सुंगटा, बरे करता हा सर सुंगटाचे, सुंगटा हाडू नका, सुंगटा आणि किती असता, सुंगटा कालवा ना, सुंगटा ना कालवा ना,
टमाटर हमने ना मिक्स लिया है, तीनों ने मिक्स लिया है, टमाटर अनि सुखी ये बजी। चल चल तो थे बसला गाल तक पाव गाल गाल तक तो गाल ये पाव कौन वाद दिल देंगे पुत्री नींद लो पुत्र तो थे कहाँ पे थे यहाँ पे तो पुत्र नींद लो नाका का तक पाव बड़े अंचे गाल ते गाल नहीं हो अभी ये खाता के देखते हैं खा ले घून गेलो घून गेलो कुत्रे डिमांड पे पाव नाका खाते का तो मेरा आज मूड ऑफ हो गया। एक्चुअली मैं आई थी यहाँ पे प्रॉन्स करी खाने के लिए, कितने दिशाने हल्ला आईज आईज मंगला पे यहाँ सुनता ना टेस्टी असता बहुत ही टेस्टी बनाते हैं प्रॉन्स करी और पाव के साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है आता क्या हटा पोया हाँ मूर्त हो गया मूर्त काड़ून दौर ओके ये देखिए ओके तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट अभी हम जाते हैं बागायदा 9 तारीख ओके हाँ तो हम पहुंच गए हैं और ऋतु पापा ना हमें ड्रॉप करके जा रहे हैं कुछ काम है तब तक हम सामान लेते हैं चल झाडू मारता अच्छा ना का बासमती का नाम ये लेती हूँ ये भी अच्छा है इंडिया गेट का और नहीं ये भी अच्छा हेरिटेज यही कहता हूँ कंफर्ट ऋतिक के लिए बिस्किट ऋतिक का फेवरेट है ये ये मम्मी पे कुत्रे खाऊपा हाडा किचन में जो जो सामान लगते हैं ना मैं मम्मी को लेने के लिए बोलती हूँ क्योंकि मैं तो ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ मम्मी ज़्यादा बनाती है तो किचन में क्या क्या है मुझे कुछ नहीं पता हाँ तेरे फुड़े 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 आंगन का तो सब मम्मी ले रही है ये भरलं मी गे ठीक आहे सामान देखे आता पडपाचे पडला सामान बाहेर आणि एक असलेलं आहे और सामान लेना है यो तो यहाँ पे ना सारी सब्जी जो है ना पर आज ट्यूसडे है ना तो उतनी सब्जी नहीं है आज ट्यूसडे के दिन सब्जी नहीं आती है मशरूम के गए पेरू पर कितने मोटे गवा 40 रुपये 40 रुपीज पेरू है पेरू
तो जब भी मैं बागाधर आती हूँ ना तो बर्तन के सेक्शन में आती हूँ, पर लेती कुछ नहीं, अच्छा लगता है मुझे देखने को। बड़ी शायद ना पापा टीपॉय ये देखिए छोटे वाले बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ते वडले असं ते घेता और यहाँ पे ना पॉट्स भी है, ये वाले बहुत ही अच्छे। सामान भी दवरला था, वायर भी असा सामान खात रोपाचे। ये देखिए वायर भरला हंगा, आता आम्ही इथे सामान घेतला खात रोपाचे। हाय जीवन ना, चार पांच बॉक्सेस मो सर ना, तांदळाची पोती आ साइडीन दवर, साइडीन तांदूळ भीतर आ आला तर थेता बाहेर जाते पण एक बॅग दिले त्याने हो का तांदे बिंदू फुटात ते फुटत राही लगो असा। ग्रोसरी करके ना थक गई मैं पुरो आले, आणि क्लायमेट सामको क्लाउडी असा, पावस आहे इसा गर्मी आता नी आमका मशी की शुगर केन जूस बीन दिता पिओ आता धाडे ना का कांदो घे कांदो सामान बघितले लग्नाचे सामान कोणाचं लगीन अहो सामान पहा घेतले फिर से लुट गए सामान फिर से लुट गए जो चाहिए ना सब कुछ वही सामान है। भाव नहीं इधर से लस्सी आला तुका लस्सी नहीं किधर तुका लस्सी किधर बेटा पी बड़े हाँ है लस्सी। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और ना मैंने सारे जो सामान है ना ग्रोसरी निकाल के रख दिया है। ओके तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ और क्या क्या चीज़ें हमें लगती है। ओके तो ये देखिए ये सारे सामान जो मैं लेके आई हूँ जो घर में हमें लगती है ना डेली वो बस वही है। और आज तो ट्यूसडे है ना, सब्जियाँ आज नहीं आती है, तो थोड़े बहुत ना मैं ये कैप्सिकम और ये कड़ी पत्ता और ये बीन्स क्लस्टर बीन्स चिटकी बोलते हैं इसको, ये एक लेके आई हूँ मैं। और धनिया जहाँ पे हम लोग गए थे ना बागायदार में तो वो अंडर गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पे ना सामान सब्जियाँ में ना बहुत ही सस्ता मिलता है। तो धनिया मुझे कितने में मिला पता नहीं है, मैं देखती हूँ वो पेपर में लिस्ट में। तो ये सारा सामान जो मैं लेके आई हूँ एक्चुअली ना ये 1 मंथ का नहीं है, तो हमें ना आराम से 2 महीना तक चलता है। ओके तो ज़्यादातर हम लोग ना दाल वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, तो हमारे घर में नॉनवेज बहुत खाते हैं, तो मंडे थर्सडे और सैटरडे को उस दिन नॉन वेज रहता है। तो दाल वगैरह ना तूर दाल ना थोड़ा ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ऋषि पापा को दाल बहुत पसंद है, तो तूर दाल ना 2 पैकेट लेके आए हैं। तो हम आराम से ये सामान जो है ना 2 महीने चलता है। और जो ऑयल है ना ऑयल जो है 5 लीटर का है। ओके तो हम तो जब भी हम लोग ऑयल लाते हैं ना 5 लीटर का ही ऑयल लाते हैं, और वो ऑयल जो है ना 2 महीना आराम से चलता है। डिपेंड करता है अगर आप कुछ ऑयली कुछ ज़्यादा बनाते हो तो जल्दी ख़त्म होता है, तो हमारे घर में ऑयली डीप ऑयल के अलावा कुछ भी नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक पकौड़े कभी कभी बार। और फिश ना आप देखते हैं रोज मेरे वीडियो में मैं शैलो फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई में नहीं करती हूँ। तो ऑयल जो है ना मैं आराम से 2 महीना चलता है। और फॉर्चून और एक पामोलिन ऑयलिंग लाते हैं हम लोग भगवान के लिए, तो ऑलरेडी एक पैकेट है तो इसके लिए मैंने आज नहीं लिया है, तो ऑलरेडी एक पैकेट है। और वहाँ पे ना मैंने मैदा का पैकेट है ना 6 लिया है, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी नवरात्रि आ रही है और हमारे कॉलोनी में फंक्शन है दांडिया का, तो वहाँ पे मैं स्टॉल डालूंगी मोमोज बनाऊंगी, तो वहाँ पे ना मैदा ना बहुत सस्ता मिलता है। मुझे ये पैकेट जो है ना ₹500 का है, 19 रुपीज़, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेके आई हूँ कि मोमोज बनाने के लिए।
तो बार बार वहां पे जाते नहीं है मगेदार में, तो सब कुछ मैं ना साथ में लेके आई हूँ, 6 पैकेट लेके आई हूँ मैं मैदा का, और शुगर में 3 केजी लेके आई हूँ, क्योंकि लाके रखते हैं ना तो आराम से चल जाता है। हमारे घर में ज्यादा स्वीट तो कुछ बनाते नहीं है, पर बार बार हम लोग जाते नहीं है बागेदार में, तो इजीली हमें 2 महीना हो जाता है। ओके, और आज तो ट्यूसडे है तो वहाँ पे ना सब्जियां भी बहुत सस्ती मिलती है, तो आज तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को वेजिटेबल्स नहीं आते हैं, तो जितना था ना मैं लेके आई हूँ, प्याज टमाटर और कैप्सिकम और बीन्स और धनिया, बस इतना ही है, और बाकी सब जो घर में हमें लगते हैं ना वही लेके आई हूँ मैं। और कभी भी ना रीति होबा ऐसे नहीं बोलते हैं कि इतना सामान लेके आते हैं, इतना बिल हो गया, कभी भी वो डांटते नहीं है, वो बोलते हैं जो हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें लगती है घर में तुम ले लो बस, तो जो हमें घर में चीज़ें लगती है ना मैं बस वही लेती हूँ, आलतू फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करती हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें हमें लगती ही है। और टिश्यू पेपर थोड़ा ज़्यादा लेके आई हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे स्टॉल में लेके जाऊँगी पैकेट, और हमारे घर में कुछ ऑयल वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो हमें टिश्यू पेपर लगता ही है, तो एक पैकेट जो है ना मैं वहाँ पे लेके जाऊँगी स्टॉल में, और मैं सामान नहीं लाई हूँ तो स्टॉल में हमें मोमोज ना देने के लिए ना पेपर प्लेट्स चाहिए मुझे, तो मेरे पास थोड़े हैं 35 प्लेट्स थे और चाहिए मुझे, तो वहाँ पे ना छोटे वाले प्लेट्स थे तो बड़े साइज के नहीं थे, और पार्सल में देने के लिए ना वो कंटेनर बॉक्स थोड़े हैं मेरे पास 40 है और चाहिए मुझे, तो वो सब मैं नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि कंटेनर थोड़ा बड़े बड़े थे, मुझे छोटे वाला चाहिए था, वो नहीं था वहाँ पे, तो एक दिन डेल्फिनोज में जाके मुझे वो सब कुछ लेना है, पेपर प्लेट्स और सिल्वर कलर के बॉक्स रहते हैं ना पार्सल देने के लिए, वो डेल्फिनोज में मिल जाते हैं, वो बाद में देखती हूँ मैं जब टाइम मिलेगा ना तो जाके लेके आती हूँ मैं, तो ये सब कुछ लेके आई हूँ मैं। और जो टी पाउडर है ना, टी पाउडर मेरी मम्मी जब सिस्टर के घर गई थी ना, जब आते वक्त ना टी पाउडर वहाँ से लेके आए थे, तो वो टी पाउडर ना वहाँ का गांव का टी पाउडर है ना मेरे रीति पापा को पसंद नहीं है, चाय बर्फ है ना मंडा था, तो उनके लिए मैं ये लेके आती हूँ ताजमहल, ये थोड़ा महंगा होता है पर चाय जो है ना बहुत ही टेस्टी होता है ताजमहल, थोड़ा मुझे मारा रास्ता है पर चाय भर रहा था, तो ये रीति पापा के लिए हमारे लिए है 2 पैकेट है वहाँ से लेके आए थे वो है, तो उनके लिए चाय आवड़ना, और रीति पापा को गार्लिक वाला पापड़ बहुत ही पसंद है, तो उनके लिए पापड़, और माका जैसे पापड़ आवड़ना, तो उनको ना गार्लिक का ही पापड़ पसंद है, तो पापड़ लेके आए। और नारियल हमें मिला 24, तो ऑलरेडी नारियल है कुमटा से आते वक्त लेके आए थे, तो फिलहाल ना सिर्फ 4 ही लेके आए हैं, बस इतना ही है और बस यही है। ओके, तो अब सारे चीज़ों को ना अपनी अपनी जगह पर रख देना है, और प्याज ना थोड़ा ज़्यादा लेके आई मैं, ये कितना कितने के जी गए हैं, ये 5 केजी 185 5 केजी है ये 185। प्याज ना हमें बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, प्याज टमाटर ना ये जल्दी ख़त्म होता है, जायद ना कंजूसी कर पा, और ये स्क्रॉच ब्राइट का ये मुझे चाहिए, ख़त्म हुआ था, ये बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर 5 रहते हैं, तो ये लेके आई हूँ मैं, और ये सब कुछ डिटर्जेंट लाइजोल हापी ये सब कुछ चाहिए घर में, बासमती में लेके आई हूँ, और जैगरी में 2 लेके आई हूँ, और ये सारे देखिए उड़द दाल मसूर मूंग उड़द दाल 2 लेके आए हैं, और चनाची दाल दाल साबुदाना, बस वही चीज़ें जो घर में लगती है, पीनट और ऋतिक के लिए बादाम, उसको ना मैं रोज़ सुबह ना भिगो के देती हूँ बादाम, और जो सॉस वगैरह और ये सोया चंक्स, इसकी भाजी बहुत ही अच्छी बनती है, भाजी या पुलाव, और ये मुरमुरा, ये मुरमुरा मुझे मिला 250 ग्राम का, ये 20 रुपया मैदा, और ये मम्मी देखिए कड़ी पत्ता जाड़ा सामगीर आणि कड़ी पत्ता घेऊन येला पय जाड़ाचे काळ मडला ते काढ नाखय त्या आता पूजा करिया पय कितले कितले पडले का 10 रुपया असतले बहुत ही अच्छा है, हमारे जाड़ है बहुत ही बड़ा है, इसको बोला मत ले, मम्मी लिया, ये ऑयल है, बस हो गया सामान, तो 2 महीने का सामान है, यहाँ आप ऐसा मत बोले कि 1 महीने का है, 2 महीने का सामान है ये, तो एक्स्ट्रा चीज़ जो है मैं लेके आई हूँ, ये मेरे बाथरूम में क्लीन करने के लिए फ्लोर, ये और गाळणी चाय घालपाचे आमचे पिड्ड्यार झाला, तो ये जो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है, और ये एक शाबू दर्पा बस, और ये एक लेके आए उकड़ा राइस, कभी कभी चाहिए
हमारे घर में क्या होता है, जब भी खाने का मूड नहीं होता है ना, रोज दाल वगैरह खाके या फिश नॉनवेज खाके मैं कभी कभी बोर हो जाते हैं, तब क्या करते हैं मालूम है, हम लोग पेस्ट कौन जीता गंजी बना के ही खाते हैं 2 टाइम आराम से। तो कभी कभी ना पेस्ट यानी गंजी बना के हम खाते हैं, कभी कभी बारा तो ला के रखते हैं। तो संडे के दिन ना सभी लोग घर में रहते हैं ना, तो मम्मी बनाती है सुबह, तब हमारे घर में ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी नहीं होता है संडे के दिन। तो कभी कभी आम्बिल रागी पोरेज, कभी कभी पेज जेता था सकाल से। और मैं काजू पैकेट लेके आई हूँ, ये ना मैं छुपा के रखती हूँ। क्या करते हैं मालूम है, बाप और बेटे निकाल के खाते हैं। मैं ना इमरजेंसी में ना काजू पैकेट ला के घर में रखती हूँ, कभी लगता है तो मैं छुपा के रखती हूँ, रोकड़ काबा करता है। और काजू तो बहुत ही महंगे हैं, पर क्या करें, चाहिए ही लिपो दरा काजू, नहीं तो बाप बेटे ना एक दिशा खाली करता, खाऊन खाऊन खाता तो मगे जाए तो नाम का मेल ना रेसिपी करपा, खाऊन खाली मम्मी ने हाड़ले डबो। अब सामान दौरपा, ओके सब कुछ अभी रखना है सामान। ओके और ये वाले बनाना मेरे फेवरेट है, 16 रुपये एक गए, 16 रुपये एक रिची खाता ही है। और ये ऑरेंज मैं लेके आई हूँ, अभी ये स्वीट है कि खट्टा है मुझे पता नहीं, तो रिची को ना ऑरेंजेस बहुत ही पसंद है तो मैं लेके आई हूँ, अभी देखते हैं आंबड़ असला है ये। और ये जो बनाना है ना खराब नहीं होते, बहुत दिन से अच्छे से रहता है। ओके ये टिफिन में रिची को टिफिन में ना अगर हाफ करके दे दो ना वो लेके जाता है। ओके तो चलिए मम्मी ने काढ़ लिया हाँ पटलो, आता सगळं सामान घालून दौरिया भीतर, ऋत्विक आने से पहले, ऋत्विक आने से पहले सब कुछ जो सामान है ना अपने अपने जगह पे रख देना है। तो और एक ना मैं आपको दिखाना भूल गई, ये देखिए राइस का बैग लेके आए हैं, जीरा राइस, ये 26 kg है। तो ये हमें राइस ना बहुत ही पसंद है। आटा यानी गेहूं का आटा और बेसन, मैं ये दो चीज़ें ना शॉप से नहीं लेके आती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया है कि मैं जहाँ से गरम मसाला ऑर्डर करती हूँ ना वो सब कुछ सेल करता है, आटा वगैरह ना सब कुछ सेल करता है, और उसका आटा जो है ना बहुत टेस्टी रहता है, बेसन भी बहुत ही टेस्टी रहता है। तो बेसन है फ्रिज में, आटा भी थोड़ा है, तो मम्मी ने ना पतंजलि का आटा लिया है 2 kg का। तो पतंजलि का भी ना बहुत टाइम हो गया हम खाए नहीं थे, पहले हम लोग ना पतंजलि का ही आटा लाते थे, बाद में हम लोग वो बंद कर दिया, तो मम्मी बोलने लगी थी थोड़ा ले लो 2 kg, उससे भी ना चपाती बहुत ही अच्छी बनती है। तो वो ख़त्म होने के बाद मैं उससे ऑर्डर करूँगी, और उससे ना मैं रागी पाउडर भी ऑर्डर करती हूँ, तो सब कुछ है फ्रिज में, तो जब सब कुछ ख़त्म हो जाए होने के बाद उससे मैं ऑर्डर करूँगी। तो सब सामान जो है ना अपने अपने जगह पर रख दिया है, और प्याज ना थोड़े ख़राब हुए, 4 कांदे पिटाला, 3-4 प्याज ना ख़राब हुआ है, क्योंकि वो पैक रहता है ना वहाँ पे ना, प्याज टमाटर आलू है ना पैक करके रखते हैं 1-1 किलो ऐसे, तो आपको चूज़ करके वहाँ पे मिलता नहीं है चूज़ करके लेने को, तो 3-4 प्याज जो है ना ख़राब हुआ है। तो आज पहली बार मैंने वहाँ से ना 5 kg लाया है, अच्छे हैं बड़े बड़े साइज़ के हैं, बस 3-4 ही ख़राब हुए हैं क्योंकि वो पैक रहता है ना इस वजह से। ओके तो सब कुछ हो गया है, अभी ना मुझे मशीन लगाना है, सुबह जाते वक्त ना झाड़ू नहीं लगाया था, अभी मशीन लगाऊंगी मैं, उसके बाद जाऊंगी नहाने, और आज खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कल दाल बनाया था, दाल है और बांगड़े सॉल है फ्रिज में, गरम करूँ खाओ पाचे बांगड़े सॉल। ओके तो हो गया आज का खाना, तो छोटे प्रॉन्स है फ्रिज में,
तो सोचा था कि आज प्रॉन्स बिरयानी बनाएंगे, पर अभी यहाँ यहीं पर अभी एक बज चुके हैं तो अभी टाइम नहीं है। और बिरयानी का बिरयानी बनाना मतलब ना बहुत हेडेक है, लंबा प्रोसेस है। तो कल बनाऊंगी मैं छोटे वाले प्रॉन्स की बिरयानी। ओके तो आज है दाल है और बांगड़ा सॉल भी है ना, तो अगर पुलाव बनाओगे ना तो वो रह जाता है वैसे दाल वगैरह, तो उसी से आज काम चला लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है, अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। ओके तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आज का ये ग्रोसरी वाला शॉपिंग वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।